फार्म हाउस में मजा बहुत आया। वैसी है लाइफ ड्राइवर की, सोना उठना जागना खाना पीना कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। अगर कि अजान का भी टाइम हो गया है, अब सोच लो कितना ज्यादा लेट हुआ है आज। हेलो नमस्कार मराबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी ब्लॉग्स। तो दोस्तों लास्ट वाला ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में बताओगे, और फिलहाल मैं ड्यूटी हूँ और आपको दिखाते हैं कुछ नया सऊदी अरब में। 3:28 AM तो आज एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है, और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको नाइट विजन दिखाऊंगा कि आखिर रात में कैसा दिखता है रियाद। फिलहाल टाइम हो रहा है 3:40 रात के, और अभी हम जा रहे हैं घर ड्यूटी से, और आज मजा ही आ गया क्या बताया जाए। यार सच में मजा आ गया, मैं गया था बहुत दूर और वहाँ पे गया था मैं फार्म में, आपने वीडियो देख ली होगी। किस्मत ने साथ दिया और हम अंदर तक गए, तो हमने सोचा ऐसे मौके का फायदा उठा लेना चाहिए, मैंने उठाया भी। और वो वाला ब्लॉग अगर आप देखना चाहो तो आई बटन में डाल दूंगा, आपको ऊपर एक हेडलाइन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी ये ब्लॉग देख लो, उसके बाद वो देखना, क्योंकि जो देख रहे हो उसे पूरा देखो, वो वाला इसके बाद देख लेना, ठीक है। या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, उसे जाके देखना जरूर, बहुत ही अच्छा वीडियो है। मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही हैं अभी भी। मैंने कुछ फोटोज भी खींचे थे, मतलब हमारे फ्रेंड से खिंचवाए थे, अच्छा आया होगा तो उसे डाल देंगे, आप ये फोटो देख सकते हो। यहाँ पे सिग्नल है रेड, ऐसे में जाना है लेफ्ट। फैमिली कॉर्नर, क्या लाइट लगाया है भाई, क्या लाइट लगाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ से हम दायरे में चले जाएंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे यही है ना, बाकी लोकल में इधर जाएंगे। दायरे में हमने एंट्री कर लिया है हाईवे में, रिंग रोड। तो फिलहाल हम इस पे चलाएंगे 100-110, और 340 से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, देखते हैं कितना समय लगता है। रात में यार पूरा रोड खाली है, बहुत ही कम गाड़ियां देखने मिल रही है रोड में, टाइम ही तो बहुत हो गया यार, 3:44 हो रहा है इस टाइम पे। अभी अगर कि अजान का भी टाइम हो गया है, 10-12 में होगी, अब सोच लो कितना ज़्यादा लेट हुआ है आज। देख रहे हो पूरा रोड खाली है यार, पूरा रोड खाली है, 120। हमेशा मैं चप्पल पहन के चलाता हूँ, लेकिन आज जूता पहना हूँ, मतलब जब कहीं जाता हूँ तो जूता पहन लेता हूँ, क्योंकि घर पे चप्पल पहन के चलाने से ये फायदा रहता है कि बार बार निकालना पहनना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमेशा फ़ोन करके बुलाते रहते हैं या फिर काम आ जाता है, गाड़ी धोना ये वो, तो इसकी वजह से जूता नहीं पहन पाते बराबर। लेकिन जब भी हमें लगता है कहीं जा रहे हैं लंबे टूर पर, तो फिर जूता पहन लेते हैं, और जूता में ना अंदाज नहीं मिल रहा है सिलेंडर का, ऐसा लग रहा है कि मैं जिस हिसाब से चला रहा हूँ उसी हिसाब से स्पीड ज़्यादा है, मतलब जितना दबा के रखा हूँ उस हिसाब से स्पीड ज़्यादा है हमारी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उन देख लेगा भाई ये ओडोमीटर किसकी है। और ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही इस गाड़ी की, ये मुझे लग रहा है ना कुछ गलत रीडिंग बता रहा है। मैं गाड़ी कितना चला चुका हूँ, 923 से जर्नी स्टार्ट की थी, मतलब 1,78,923 किलोमीटर से, और हमने गाड़ी चला दी है 45 किलोमीटर गया, 45 किलोमीटर आया, और उसके बाद अभी मैं 17x34-35 किलोमीटर और गाड़ी चलाऊंगा घर जाते जाते, अभी भी इसमें 96 दिखा रहा है। किस हिसाब से क्या माइल्स में चल रहा है इसका मीटर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब अपनी हाई स्पीड में जा रहे हैं सब, रात को एकदम पूरा रोड खाली है, पूरा रोड जैसे कि आप देख पा रहे हो। और हमारे बाईं साइड में हवाई जहाज खड़ा है, एरोप्लेन, और यहाँ पे हेलीकॉप्टर और छोटे छोटे हवाई जहाज, पहले छोटे छोटे नहीं यार लड़ाकू वाले जो रहते हैं ना, छोटे विमान भी हैं। आगे कैमरा है स्पीड का, तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेंगे, क्योंकि कैमरा तो नहीं मारेगा लेकिन थोड़ा डर रहता है ना। लेकिन यार कुछ भी को फार्म हाउस में मज़ा बहुत आया, थोड़ी ही देर रहे लेकिन मस्त यार, थोड़ा सा ऐसे ही हम बनाएंगे यार कहीं पे,
नहीं ज़्यादा तो एक रूम तो ऐसा बनाएंगे जिसमें मेहमान आए घर में तो उन्हें बिठा कर अच्छे से हम उनकी सत्कार कर सकें, होना चाहिए। मतलब अगर आप बड़ा घर बना रहे हो तो एक कमरा तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप मेहमानों को उधर बिठा के खाना पीना हर चीज़ सही मिले। और यहाँ पे 10 मिनट हुआ हमें और हमने 15 किलोमीटर के आसपास जर्नी कंप्लीट कर ली और हम घर के बहुत ही करीब हैं। आपको सुनाता हूँ, सुना मैंने क्या कहा था? अजान होने का समय हो चुका है और अभी अजान हो भी रहा है। वैसी है लाइफ ड्राइवर की, सोना उठना जागना खाना पीना कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। बस जब भी फोन आए सगल सैयारा, बस चाबी लेके इग्निशन में लगाओ और सेल्फ मारो। यार हमारी गली का ये लाइट क्यों बंद है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 3-4 दिन हो गया। काफी अंधेरा हो रखा है।